हे गाइस, इट्स मी अंश। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ले आया हूँ फौजी। हाँ गाइस, फौजी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आ चुकी है प्ले स्टोर पे। और मैंने सोचा क्यों ना इसकी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाए आप लोगों को, क्योंकि नई नई गेम है तो लोगों को खेलने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और इंडियन गेम है, तो आई विल रियली प्राउड टू मेक अ वीडियो ऑन फौजी। तो सबसे पहले हम लोग फौजी गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनकोर गेम्स का लोगो आता है, बिकॉज एनकोर गेम्स ने ही इसको डेवलप करा है। देन इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर वाईफाई नहीं है तो आप लोगों को जियो या फिर आप लोगों को एयरटेल के साथ खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैंने अगर वोडाफोन से खेल के देखा था तो वोडाफोन की सिम के नेटवर्क से काफी ज्यादा अच्छे से चल रही थी, बट यहाँ पे जो हमारा जियो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। तो ये चीज आप लोगों को नोटिस करके रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप की मेन्यू होगी, आप लोगों को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पे मैं थोड़ी आवाज कर देता हूँ धीरे। तब अब यहाँ पे आप लोगों को लिखा है कनेक्टिंग टू सर्वर। सर्वर कनेक्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी, क्योंकि नया गेम है तो इसलिए आप लोगों को ये चीज देखनी पड़ेगी। देन यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑफिशियली बना दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे मुझको कुछ ये रिवॉर्ड विवॉर्ड की बात कर रहे हैं और बाकी सब चीजें हैं। देन आप लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सो गाइस, पहले फीचर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली जाना होगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम, बैकग्राउंड वॉइस, इन चीजों को आप लोग यहां पे आके देख सकते हो। यहाँ पे जो वॉल्यूम एंड बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड वॉल्यूम को आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो एंड वॉल्यूम को भी। अभी मैंने बंद कर रखा है, मैं आप लोगों को करता हूं। आप लोग मेरी मानो तो आप लोग बैकग्राउंड वॉल्यूम को थोड़ा कम रखो एंड वॉल्यूम को आप लोग फुल रखोगे तो ज्यादा अच्छा आप लोगों को गेम प्ले मिलने वाला है। देन इसी के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ग्राफिक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरी लो। अगर आप लोगों के डिवाइस में थोड़ा हल्का प्रोसेसर है तो आप लोग वेरी लो पे चलाओ, बट बाय द वे ये आप लोगों को एकदम मीडियम पे रख के देगा। बट मेरा ये जो डिवाइस है ये है सैमसंग का S10 लाइट, तो इस डिवाइस के अंदर मैं यहाँ पर काफी इजिली अपना यहाँ पे अल्ट्रा ग्राफिक्स पे जो गेम है इसको खेल सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीजें करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेंसिटिविटी मिलती है, जिसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। सेंसिटिविटी को मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जैसी है वैसी रहने दो, यहाँ पे आप लोग छेड़खानी ना करो। आप लोगों को देन यहाँ पे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलता है ऑप्शन प्ले का। प्ले करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कैंपेन देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इसी पे अभी खेलना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों अभी आए नहीं है और इसी पे अभी आप लोगों को खेलना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो स्टोर वाला ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ पर आके कुछ यहाँ पे ये टोकन्स एंड बाकी सब चीजों को खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ये एक लाइन लिखी आई है, भारत के भी 20% ऑफ द प्रोसेस विल बी कंट्रीब्यूट टू BKV भारत के वीर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना भी इन लोगों को यहाँ पे कमाई होगी उसका 20% भारत के वीरों को। एंड यहाँ पे ये चीज भी आप लोग यहाँ पे जाके परचेजिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे परचेज करने वाला हूँ ये वाला जो आप लोगों को 2999 वाला है, ये वाला पैक खरीदने वाला हूँ, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग हेल्प कर पाए, तो आप लोग भी जाके यहाँ पे चाहो तो खरीद सकते हो। देन गाइस इसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे लोड आउट देखने को मिल जाता है। अब लोड आउट के अंदर आप लोग यहाँ पे कुछ अपनी यहाँ पे जो फौजी है उसका यहाँ पे आप लोग ये लुक एंड बाकी सब चीजें चेंज कर सकते हो। आप लोगों को कमांडर डिल्लोन देखने को मिलते हैं, तो डिल्लोन साहब वर्क काफी अच्छा करते हो तुसी। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो इनक्यूपाइड है ये पहले से ही। यहाँ पर आप लोगों को जो करेक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे, नए खरीदने पड़ेंगे एंड बाकी सब चीजें। आप लोग यहाँ पे जो स्किन्स हैं उनको खरीद सकते हो एंड बाकी सब चीजें आप लोगों को स्किन्स इसके अंदर देखने को पूरी मिल जाती हैं। देन अगर हम लोग एरसनल, ये क्या है पता नहीं, मुझको समझ नहीं आया, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को परचेजिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे कॉइन्स को कलेक्ट करके यहाँ पे फौजी को खरीद सकते हो एंड उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे कुछ ये जो आप लोगों को हथियार देखने को मिलते हैं इनको भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे काफी अच्छी चीजें खरीदना पड़ रहा है, बट ये चीज अच्छी नहीं लगी। इनको अगर पबजी की तरह रखते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। देन आप लोग गाइज यहाँ पर ऊपर ये जो ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे लाइन, इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑनर रोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, आप लोग जैसे जैसे अपने मिशन को कम्प्लीट करते जाओगे आप लोगों को यहाँ पे पूरे जैसे सिल्वर कॉइन्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग इसको भी यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सारे रिवॉर्ड्स हैं,
आप लोग जब भी यहाँ पे 4G6 आप लोगों को यहाँ पे जैसे आप लोग 1400 पॉइंट्स पे पहुंच जाओगे, आप लोगों को ये वाला कमांडो देखने को मिलेगा, कमांडर अग्नि। तो अच्छा है भाई, अग्नि साहब जी भी खुल जाएंगे एंड बाकी सब चीजें, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे आके ऑप्शन देख सकते हो। ओ भाई मजा आ गया रियली में, इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बट स्टोरी दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं स्किप, तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर ऑप्शन मिल जाता है स्किप करने का, आप लोग जो स्टोरी है उसको स्किप कर पाओगे। देन आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप का गेम प्ले मिल जाता है, थोड़ा यहाँ पे रात के टाइम का यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, मेरे डिवाइस में अभी आप लोगों को 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के जितने भी डिवाइसेज हैं, आप लोगों को अभी तक इसमें फ्रेम रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया। आप लोग यहाँ से आके कुछ इस टाइप से फाइटिंग कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स मिलते हैं। ग्राफिक्स के मामले में गाइज अच्छी लग रही है, बट अभी भी जो पबजी गेम है ये उससे मुकाबला करने लायक अभी नहीं बनी है रियली में। अब देखो इंडियन गेम है तो इसको मैं फुल सपोर्ट करूंगा, बट फिर भी यहाँ पे इसके जो जेस्टर्स एंड कंट्रोल्स हैं वो अभी मुझको थोड़े थोड़े फ्री फायर के जैसे लग रहे हैं। तो अगर इन द फ्यूचर एनकोर गेम्स मेरी बातें सुन रही है एंड इसको पबजी जैसा कर सकती है तो करे, तो मुझको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप लोग ग्राफिक्स लेकिन देख सकते हो, जो क्वालिटी है ग्राफिक्स की वो अच्छी है, बस थोड़े कार्टूनिस ग्राफिक्स लग रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखने की जरूरत है। देन यहाँ पर आप लोगों को देखो एनिमीज का यहाँ पे ये टेंट मिल जाता है, यहीं पे आके आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे 25 मिनट्स के करीब का आप लोगों को गेम प्ले करना होगा। यहाँ पे फाइट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से स्टोरी बोलने को कहेगा, तो आप लोग यहाँ पे आके कुछ इस टाइप से अच्छे से एकदम सब चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को जो फौजी है ये आप लोगों का यहाँ पे हाथ हाथ सेकेगा एंड बाकी सब चीजें, मतलब पूरा अच्छे से इसको इंडियन तरीके से बनाया गया है, तो ये चीजें मुझको काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप लोग यहाँ पे इनके टेंट में अगर एंट्री करोगे तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो एंड बाकी सब चीजें कर सकते हो, अच्छा लगा मुझको ये चीज भी। देन इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाए तो हमको यहाँ पे खड़े होते ही यहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाती है हमारे पास यहाँ पे एक वेपन आ चुका है, तो हम लोग जब भी कोई भी मतलब एनिमी से लड़ाई करेंगे तो हमारे पास ये चाकू आ जाएगा, हम लोग इससे वेपन को यूज करके लड़ाई कर सकते हैं। तो वैसे इस गेम को बोला जा रहा था कि ये बच्चे बच्चे खेल सकते हैं, बट थोड़ा इसमें भी मार मार है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, बट फिर भी आप लोगों को यहाँ पे देखो दूसरा वेपन भी देखने को मिल गया, आप लोग काफी इजिली यहाँ पे कर पाओगे। अब इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे लोगों से लड़ाई करें तो आप लोगों को इसके बाद यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और फीचर्स के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग गेम को पॉज करते हो आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को वही सेम ऑप्शंस मिलते हैं ग्राफिक्स एंड बाकी सब चीजों को सेट करने का। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे अरे मेरा फौजी पिट गया, तो लोड आउट इज फुल, यहाँ पर ये जो गेम था उसको मैंने कर दिया है, यहाँ पे ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे अब मुझको ये कोई लेवल पार हुआ है और इसके बाद यहाँ पे मुझको कोई और लेवल्स भी खुले हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूरा देख लेते हैं। देन यहाँ पर हमको वापस से इसी वाले लेवल पे कर दिया, अच्छा मुझको लग रहा है वो ट्रेनिंग टाइप थी, तो चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे और लड़ाई ले लेते हैं थोड़ी। अच्छा तो यहाँ पे और बंदे आ गए, बट यार गाइस इसमें ना पबजी जैसी फीलिंग अभी भी नहीं आ रही है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, बस ये एक ट्रेडिशनल फाइटिंग गेम ही लग रहा है हमको देखने में अगर हम लोग देखें, बट फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मेरा फौजी पिट गया, फौजी को कैसे पिटवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फाइटिंग आप लोगों को सिंपली करनी है, देन यहाँ पे जो एनिमेशन है वो भी काफी स्मूथ है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आप लोगों को अभी भी कोई जो कंट्रोल्स हैं उनको कन्फिगर करने का ऑप्शन मुझको तो अभी तक देखने को मिला नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंट्रोल्स को कन्फिगर करने का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है, तो कंट्रोल्स को आप लोग अभी कन्फिगर नहीं कर पाओगे। एंड इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पे एम की सेंसिटिविटी एंड बाकी सब चीजें देखें तो काफी ज्यादा अच्छी है, एंड यहाँ पे अभी तक बस भाई फौजी के अंदर और भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है जो कि रियली में बहुत ज्यादा चाहिए। एंड इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को हाथ सेकने का ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे हाथ वाथ सेकोगे तो हेल्थ आप लोगों की रिकवर हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग और यहाँ पे हेल्थ को रिकवर कर सकते हो। जैसे आप लोगों की हेल्थ यहाँ पे देखो आप लोगों का हेल्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आप लोगों का बढ़ता रहेगा, तो आप लोग इसको काफी इजिली यहाँ पे कर सकते हो।
देन इसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो फौजी है इसके अंदर हेल्थ है, देखो आप लोगों की पूरी रिकवर हो गई। अब आगे जाके यहाँ पे आप लोगों को देखो एक रिवर देखने को मिल जाती है। एंड इसी के बाद आप लोगों को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पर ये देखो आप लोगों को यहाँ पे ये सारे केसेस एंड बाकी सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। एंड रिवर की जो एनिमेशन है वो अच्छी है, डिसेंट एनिमेशन मुझको देखने को लग रही है एंड यहाँ पर, बट अभी भी ग्राफिक्स के साथ इतने ज्यादा अच्छे से एनहेंस नहीं है। वही आप लोगों को देखो ग्राफिक अच्छे मिलते हैं बट थोड़े कार्टूनिस्ट हैं और यहाँ पर आप लोगों को जंप एंड बाकी कोई भी चीज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लैंग्वेज अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज पूरी हमको देखने को मिलती है हिंदी, तो हिंदी में ये गेम मिल रहा है तो ये भी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पर आप लोग देखो ये एक दिक्कत हुई है, देखो यहाँ पे ये जो एनिमेशन थी अटकी, तो ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अभी भी इस गेम के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं बट इन द फ्यूचर मैं मानता हूँ कि ये सब पूरी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे दस दस मतलब ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं एक साथ, ये देखो एनिमेशन देखी कैसे एक साथ हमारा फौजी यहाँ पे कितने सारे घूंसे लगाने लगता है, देखो देखना अभी देखना देखना। तो यहाँ पे ये चीजें भी मुझको काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब जब भी कोई बंदा मरता है तो यहाँ पे एनिमेशन एक स्लो सी हो जाती है, स्लो मोशन टाइप का यहाँ पे शो करता है, तो ये भी काफी अच्छा चीज लगी मुझको। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये यो मतलब पूरा कुंफू करके आया है हमारा फौजी, ये देखो देखो सरदार जी मतलब पूरा वो कुंफू करके आए हैं, तो कुंफू की ट्रेनिंग लेके आए हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे यो। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पे आप लोगों को जगह जगह पे हेल्थ रिकवरी टेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोग अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हो। इसको करते ही आप लोगों की जो हेल्थ है धीरे धीरे ऊपर फुल होती रहेगी। तो ये आप लोगों को मतलब जो मोड्स एंड बाकी सब चीजें लगाई गई हैं वो मतलब इंडियन चीजों को देख के काफी अच्छे से करी गई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एम्स की एंड बाकी सब चीजें देख लो, पर थोड़ी थोड़ी फ्री फायर जैसी लग रही है मुझे अभी भी। देखो फ्री फायर का मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, मैंने पबजी बैन होने के बाद आज तक खेल के नहीं देखी फ्री फायर। तो आप लोग अगर फ्री फायर फैन हो तो आप लोग देख लो, इसको अच्छी है बट फ्री फायर जैसे ग्राफिक लग रहे हैं पबजी की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे फौजी रख के कोई अच्छा काम नहीं करा, बस एक नाम। ये देखो यहाँ पे एनिमेशन अटक गई, यहाँ पे आप लोग देखो उसका सर पत्थर के अंदर ही घुस गया। तो यहाँ पे एनिमेशन से यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे कुछ हिडन मुझे लग रहा है कुछ है। तो अब इसको हम लोग खेलते रहेंगे एंड बाकी आगे चल के इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए और भी चीजें यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे बक्से बक्से जो रखे हैं खुलते बोलते हैं क्या, कुछ नहीं खुलते। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे बंदे मारते जो और कुछ है ही नहीं मतलब, तो ये चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। यहाँ पे कब तक हम लोग बंदे मारते रहेंगे? यहाँ पर आप लोग देखो जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अच्छी हैं बट फिर भी यहाँ पर यही बातें हैं। तो गाइज यही थे कुछ आप लोगों को चीजें बतानी थी जो कि आप लोगों को लगे तो आप लोग इस गेम को खेल सकते हो, इंडियन गेम है बेशक, इसको डाउनलोड करके देखो और बताओ मुझको कि आप लोगों को ये कैसी लगी इंडियन गेम। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।